चलो आप लोगों को एक बात बताता हूँ मेरे बारे में कि मुझे पुरानी चीज़ें पसंद नहीं है, पुराने पढ़ाने के तरीके मुझे पसंद नहीं है, और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरी लाइफ में तो मैं उसमें कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। सो आज भी हम कुछ नया करने वाले हैं इस चैप्टर में। और वो क्या है यार, मैं बहुत दिनों से मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था एंड मुझे लगा कि बोरिंग होता जा रहा है, तो मैं सोचा चलिए आज कुछ अलग तरीके से सीखते हैं कुछ। और आज मैं आपको यहाँ पर लिख के समझाऊंगा और यहीं पे आप हम पढ़ेंगे, आपको मेरे साथ पढ़ना है। चैप्टर बहुत ही छोटा है और बहुत ही इजी थिंग्स मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है प्लीज़ सर इन दो शब्दों पर वीडियो बनाइए, और मैंने प्रॉमिस किया था कि यस संडे को मैं बनाऊंगा एंड आई विल अपलोड द वीडियो। ऑलराइट, सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू वर्ड्स। फर्स्ट इज हिज एंड सेकेंड इज हिम। यू मे हैव हर्ड अबाउट दीज टू वर्ड्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको डिफरेंस समझ में पता तो है डिफरेंस, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते शब्दों को, कहाँ हिज यूज़ करें और कहाँ हिम। इतना प्रॉब्लम हर में नहीं होता जितना हिज और हिम में होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ लोगों को ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा क्योंकि उन्हें पहले से पता है, बट ये उनके लिए नहीं है जिनको पता है, ये उनके लिए है जिनको ये नहीं पता है, जिनको प्रॉब्लम होती है। राइट, तो चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंस बिटवीन हिज एंड हिम। If ever I heard a video. चलिए, अगर मैं थोड़ी सी ग्रामर की बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा हिज और हिम दोनों ही प्रोनाउन है। राइट, क्या है दोनों? प्रोनाउन। हिज जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, हिम जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। और मुझे नहीं लगता कि आपको प्रोनाउन सीखना है, आपको सीखना है जस्ट छोटी सी चीज, और वो ये है कहाँ हिज को यूज करना है सर और कहाँ हिम को यूज करना है, वो सीखना है बस हमें। राइट, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाउ टू यूज हिज। हाउ टू यूज हिज, मुझे ऐसे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, आपको क्लियर समझ में भी आएगा और पास से मैं दिखाऊंगा भी। ये देखिए हाउ टू यूज हिज। राइट, अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप बताइएगा इट साउंड्स गुड और इट डजन। राइट, आई एम गोइंग विद हिज, डज इट साउंड गुड? यू आर प्रोबेबली गोइंग टू से दैट नो सर, इट डजन साउंड गुड। वाई? कभी सुना ही नहीं सर आई एम गोइंग विद हिज, हमने हमेशा ये सुना है आई एम गोइंग विद हिम। अब आप मुझे ये बताइएगा क्या इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी अधिकार की बात हो रही है, पजेशन की बात हो रही है क्या, कि मैं किसी का अधिकार बता रहा हूँ? नहीं ना, कुछ नहीं बात हो रही है यहाँ पे, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद हिम। यहां पर हमें अधिकार की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। अब मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूँ, दिस इज हिज पेन। कभी आपने ऐसा सुना है दिस इज हिम पेन? नहीं सुना होगा, बिल्कुल नहीं सुना होगा। राइट, अब एग्जाम्पल से मतलब ये है कि आपको हिज कैसे यूज करना है। अगर आप को कहीं हिज दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर पजेशन बताया जा रहा है, यानी कि अधिकार बताया जा रहा है, लेकिन किस डूअर का? तो हिज जो है, कई लोग बोलते हैं कि लड़कों के लिए यूज होता है, राइट, कई बोलते हैं एनिमल्स के लिए यूज होता है, लेकिन हाँ आप सही हो, लेकिन एक और यूज भी इसका होता है, वो ये है जब हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम हिज का ही यूज करते हैं। राइट, जब हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम हिज का ही यूज करते हैं, ये रूल होता है। हाँ, वैसे तो ऑब्वियसली ये मेल के ही लिए यूज होगा, मस्कुलर। राइट, सो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो हिज का जो काम है मेन, वो काम है अधिकार बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए हिज का यूज किया जाता है। अधिकार मीन्स पजेशन। देखिए हिज का यूज किया जाता है अधिकार बताने के लिए। अधिकार मतलब, अब अधिकार सिंपल सी बात है, अधिकार या तो किसी चीज पर बताओगे या किसी इंसान पर बताओगे या किसी एनिमल पर बताओगे या फिर किसी मशीन पे बताओगे। राइट, चलो सबसे पहले लेते हैं चीज का नाम। अब मैंने ये पूछा आपसे भाई ये जो की है, ये कीज जो हैं, ये कीज किसकी हैं? राइट, हुज कीज आर दीज, ये कीज किसकी हैं? तो आपने बोला सर ये जो भाई साहब बैठे ना उनकी कीज है ये, वो उनकी कीज है ये। तो इस कीज पर किसका अधिकार है भाई साहब? वो जो बैठे हो ना वहां पर उनका अधिकार है, और वो क्या है? सिंगुलर है। तो जब किसी चीज पर किसी सिंगुलर बंदे का अधिकार हो, किसका? सिंगुलर बंदे का अधिकार हो, तो वहां पर हम हिज लगाते हैं। क्या
क्या लगाते हैं, हेस लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है कि वो बंदा आपको दिखना चाहिए, राइट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप हिज नहीं लगाएंगे, आपको वहाँ पर लगाना होगा नेम। हिज हम तब लगा सकते हैं जब थर्ड डूअर सिंगुलर पर्सन हमें दिख रहा हो, राइट। अब मैंने बोला हाँ भाई दीज आर हिज कीज, वो जो बैठा ना बंदा वहाँ पर, ये उसकी कीज है। अब मैंने हिज क्यों लगाया, मैंने हिम क्यों नहीं लगाया? सर हिज इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हम अधिकार बता रहे हैं कि चाबी पर उसका अधिकार है, राइट। अब हिज इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सर अधिकार की बात हो रही है, मैं हिम नहीं लगा सकता यहाँ पर। हिम का कैसे यूज होगा, हिम का ऐसे यूज होगा। आपके पापा ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहा है, वेयर आर यू गोइंग। तो आपने बोला पापा मैं ना डीबी मॉल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डीबी मॉल जा रहा हूँ। अच्छा बेटा अकेले जा रहा है क्या? पापा नहीं मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा है, विद हुम आर यू गोइंग, किसके साथ जा रहा है, विद हुम आर यू गोइंग। तो आपने बोला पापा राजू के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग विद राजू। आप नाम तब बोलेंगे जब बंदा सामने ना हो, राइट। पर एक चीज आप बताइए, क्या मैं इसमें अधिकार की बात कर रहा हूँ? नहीं ना, मैं बता रहा हूँ कि मैं राजू के साथ जा रहा हूँ, कोई बंदा है जिसके साथ मैं जा रहा हूँ वो राजू है, आई एम गोइंग विद राजू, राइट। और राजू सामने नहीं है इसलिए तो आप नेम लगा रहे हो ना। अगर राजू सामने ही खड़ा हो तो अब पापा ये खड़े हैं और राजू वो खड़ा है, तो आप बोलोगे पापा आई एम गोइंग विद राजू, नहीं ये गलत होगा ग्रामेटिकली, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग विद हिम और हिज, आह हिम, वेरी गुड, मैं उसके साथ जा रहा हूँ जो खड़ा है यहाँ पर, आई एम गोइंग विद हिम, मैं उसके साथ जा रहा हूँ वो खड़ा है, आई एम गोइंग विद हिम। अगर आपको हिम नहीं लगाना तो आप नाम लगा सकते हैं, आई एम गोइंग विद राजू, राइट। बट ये तभी सही माना जाता है जब बंदा सामने ना हो, सो आई एम गोइंग विद राजू, या फिर राजू के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा वो यूज होगा हिम, राइट। अगर पापा ने पूछा अच्छा ये बाइक किसकी है जिससे तुम जा रहे हो, पापा इसी की तो है ये बाइक, दिस इज हिज बाइक, दिस इज हिज बाइक, किसकी बाइक है, इसकी बाइक, हिज क्यों लगाया, अब आप अधिकार बता रहे हैं इसीलिए हिज का यूज किया। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आई होगी, हाउ टू यूज हिज एंड हाउ टू यूज हिम। हिज पजेसिव प्रोनाउन है, हिम पर्सनल प्रोनाउन है, हिज अधिकार बताता है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, डूअर का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का, ही का, ही का हिम होता है, राइट। तो आई एम गोइंग विद हिम, राइट, उसे पढ़ा रहा हूँ मैं, आई एम टीचिंग हिम। ये पेन किसका है, इसका है, दिस इज हिज पेन, ना कि हिम पेन, क्योंकि मैंने अधिकार बताया। आई होप कि आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आया होगा, अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर भी ऐसे ही पढ़ना है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पढ़ाएं। हाँ सर बहुत अच्छा तरीका है ये पढ़ाने का और आपको शायद समझ में आया होगा अच्छे से, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिज एंड हिम। तो एक अच्छी सी कॉमेंट लिखें और उसमें बताएं कि सर नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही पढ़ाएं, तो मैं अगला चैप्टर भी ऐसे ही लूँगा, राइट। और बाय बाय, टेक केयर।